फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सेफ्टी इन पॉकेट आज हम डिस्कस करेंगे कंपिटेंट पर्सन के बारे में तो सेक्शन टू सी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एट में ये डिस्क्राइब हुआ है कि अगर एक आदमी के पास कुछ स्पेशल काम जैसे कि टेस्ट एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन करने की कैपेसिटी है और वो एक इंडस्ट्री में कोई भी बिल्डिंग हॉइस्ट एंड लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन्स चेन्स, रोब्स लिफ्टिंग टैकेस प्रेशर प्लान्टनफाइन स्पेस वेंटिलेशन सिस्टम और कुछ इसी तरह के इक्विपमेंट और प्रोसेस का टेस्ट एग्जाम इंस्पेक्शन करके उसे सर्टिफाइड कर सकता है उसे उसी आदमी को हम एक कॉम्पिटेंट पर्सन बोल सकते हैं तो अभी देखेंगे कौन से सेक्टर, सेक्टर में कॉम्पिटेंट पर्सन होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि ओडिशा फैक्ट्री रूल के अकॉर्डिंग है तो पहले है स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग सर्टिफिकेट के लिए तो इसके लिए जो पर्सन है उसके पास डिग्री इन सिविल और स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट होना चाहिए उसके साथ डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग और रिपेयर ऑफ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग में टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेक्स्ट है होइस्ट एंड लिफ्ट को सर्टिफाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिग्री होना चाहिए उसके साथ डिज़ाइन और इरेक्शन और मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑफ होइस्ट एंड लिफ्ट में सेवन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेशन ऑफ लिफ्टिंग मशीन चेन रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स के लिए डिग्री इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और मेटालोजिकल इंजीनियरिंग और इक्वैलेंट होना चाहिए उसके साथ लिफ्टिंग मशीन चेन रोप एंड लिफ्टिंग टैकल के डिज़ाइन इरेक्शन मेंटेनेंस और टेस्टिंग एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन में सेवन इयर्स और मोर एक्सपीरियंस होना चाहिए नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेशन ऑफ प्रेशर प्लांट के लिए मैकेनिकल और मेटालोजिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल में केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए उसके साथ प्रेशर प्लांट के डिज़ाइन इरेक्शन मेंटेनेंस एग्जामिनेशन में टेन इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ये हो गया कॉम्पिटेंट पर्सन होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए अभी देखेंगे एक कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या क्या ड्यूटीज होता है फैक्ट्रीज एक्ट और रूल में जो प्रोविजंस होता है उसे थर्ली स्टडी करना सेकेंड वन इज डिजाइन ऑपरेशन मेंटेनेंस टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड कोर्स होता है उसे प्रॉपरली स्टडी करना मैन्युफैक्चरर और यूजर के पास जाके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को टेस्ट एंड सर्टिफाई करना सभी इक्विपमेंट और मशीन पार्ट का लोड टेस्टिंग हीट ट्रीटमेंट एनडीटी और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और अदर टेस्ट करवाना नेसेसरी स्टैचुटरी फॉर्म्स को रेडी रखना और स्टैचुटरी एग्जामिनेशन के बाद उसे फिलअप करना जो डिफेक्ट्स फाइंड आउट होता है उसे यूजर्स और कस्टमर और कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट करना और रेक्टिफाई करने के लिए बोलना रेक्टिफाई होने के बाद फिर से एक बार टेस्ट एंड सर्टिफाई करना सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो उन्हें इश्यू किया गया है उसे टाइम टू टाइम रिन करना तो अभी देखेंगे कॉम्पिटेंट पर्सन का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गया कि जहाँ पे एच डब्ल्यू एल और सेफ वर्किंग लोड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे कैलकुलेट करके अवेलेबल करवाना S.W.L डब्ल्यू एल टेबल एंड लोड एंगल्स ऑफ जीप क्रेन एंड मल्टीपल स्लिंग्स प्रिपेयर करना सभी हॉस्ट लिफ्ट लिफ्टिंग मशीन एंड टैकल्स को थरोली एग्जाम करके टेस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना वेरियस टाइप्स ऑफ लोड टेस्ट करवाना डिफ्लेक्शन टेस्ट करना और सर्टिफाई करना जो डिफेक्ट्स होता है उसे रिपोर्ट करना और रेमिडियल मेजर्स सजेस्ट करना डिफेक्टिव पार्ट्स को कॉम्पिटेंट पर्सन के टेस्ट एग्जामिन एंड सर्टिफाई के बिना यूज ना करना लिफ्टिंग मशीन को सिक्स मंथ्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स को ट्वेल्व मंथ्स के इंटरवल में टेस्ट एंड सर्टिफाई करना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो अथॉरिटी होता है उनके कॉम्पिटेंट पर्सन का जो अथॉरिटी होता है उनके पास इन बिटवीन विजिट करना रिपोर्ट करना और उनके इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो करना So, friends, this is all about competent person, his duties and responsibilities. Please share and watch the full video and subscribe my channel. Thank you.